आणि मशिदीवरून भोंगे काढण्याच्या राज ठाकरे यांच्या भूमिकेला समर्थन देणारे मनसेचे नगरसेवक सलीम शेख यांना फोनवरून धमक्या यायला सुरुवात झाली आहे. सलीम शेख यांना फोनवरून धमक्या आणि अजब सल्ले देण्यात येत आहेत. राज ठाकरेंच्या भूमिकेला पाठिंबा देत मुस्लिम समाजांनी स्वतःहून मशिदीवरून भोंगे खाली उतरवावेत असं आवाहन सलीम शेख यांनी केलं होतं आणि त्यानंतर त्यांना या धमक्या येत असल्याचं शेख यांनी म्हटलंय. फोन करणारी व्यक्ती हे जामनेरचे माजी उपनगराध्यक्ष जावेद मुल्ला असल्याचा दावाही सलीम शेख यांनी केलाय. सलीम शेख यांनी दावा केलेली ही ऑडिओ क्लिप नेमकी काय आहे ती एकदा ऐकूयात. सलीम भाई आपने प्रतिक्रिया दी है जी, तो आप प्रतिक्रिया में सहमत आपकी कि आपने जो बोले बिल्कुल सही बोले कि मस्जिद में भोंगे करनी है? नहीं नहीं, मैंने प्रतिक्रिया क्या दिया, मेरी प्रतिक्रिया आप ठीक से पढ़ो. हाँ हाँ, फिर आपके समझ में आएगा. हाँ जी, क्या दी आपने प्रतिक्रिया? मैंने प्रतिक्रिया मतलब हाई कोर्ट का निर्णय है बोला. हाँ, मैं उसके ऊपर बोला हूँ, मैं कानून के ऊपर बोला हूँ, बाकी कुछ नहीं बोला हूँ. अच्छा, तो फिर राज ठाकरे का आपने समर्थन करे तो उसके समर्थन में आपने हनुमान चालीसा ही पढ़ना चाहिए. नहीं, क्यों पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ना चाहिए. आपने भोंगी की बात से आपने आप मुत्तबी हुए मनसी की तरफ से, तो हनुमान चालीसा भी उन पॉलिसी में एक है मनसी की आपकी. उसमें आपका डीएनए भी टेस्ट करा लो, आपका डीएनए टेस्ट करा लो. आप मुस्लिम हो ही नहीं सकते. आप एक झूठी पद के लिए अगर अपनी कौम का हेलो एक झूठी पद के लिए अपनी कौम का सौदा करते होंगे आप एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.